नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, माहिल ने चाल चलकर अलाउद्दीन को महोबा से देश ने काला दिलवा दिया। उसके पश्चात वह पृथ्वीराज के पास जाता है, क्योंकि उसका मानना ये था कि महोबा मेरा है, किसी भी प्रकार से मुझे महोबा लेना है और महोबा लेकर के ही रहूंगा। और अगर पृथ्वीराज चौहान आकर नगर महोबा की लूट करके वापस लौट जाते हैं तो महोबा मेरे अधिकार में आ जाएगा। इसलिए वो जाता है और कहता है, महाराज इस समय सिरसा में मलखान को आप मौत की नींद सुला चुके हैं और अलाउद्दीन घर पर है नहीं, ये सबसे अच्छा मौका है, आप चलिए और चल करके महोबा नगर लूट लीजिए। यहाँ का वैभव बतलाता है, यहाँ पारस पत्थर है, उड़न बछेड़ा है और जो आपका किला कलिंजर का है वो प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, खजुआगढ़ की बैठक है, ग्वालियर का किला है। ऐसे वो पृथ्वीराज को प्रलोभन देता है और साथ में एक सबसे बड़ा कारण बताता है कि उन्होंने आपकी बेटी बेला से विवाह किया है और आप उनकी बेटी चंद्रावल का डोला ले लें तो बात बराबर हो जाएगी। तब पृथ्वीराज चंद्रावल के डोला के प्रलोभन में यहाँ आने के लिए अपनी सेना को तैयार होने को कहता है। तब चंद्रभाट कहता है, महाराज कन्नौज कोई बहुत दूर नहीं है जो ये खबर नहीं मिलेगी और जिस दिन अलाउद्दीन आएंगे तो दिल्ली में आग लगवा देंगे। तब माहिल कहता है, तुम अपशकुन ना कर, शांत हो जा और जीजा आप अपने इन नौकरों को राज दरबार में ना रखा करिए। तब चंद्रभाट की बात नहीं सुनते पृथ्वीराज और चौड़ा को कहते हैं कि सारा लश्कर एक साथ तैयार कर दो, हम नगर महोबा में आक्रमण करेंगे। और इस तरीके से वो 8 दिन की मंजिल करके आ पहुंचते हैं नगर महोबा। यहाँ पर अलग अलग जगहों पे छावनी डाल देते हैं, भूरा मुगल ने दसरपुरवा में डाली और जो अलाउद्दीन ने आम और पीपल के वृक्ष लगाए थे उनको कटवा दिया, गंगों को मारने काटने लगा। चौड़ा ने कीरत सागर पर अपना शिविर लगाया, खजुआगढ़ में धानू ने अपना शिविर लगाया। कहने का तात्पर्य कि सारे महोबा नगर को चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर माहिल के द्वारा पृथ्वीराज चौहान एक संदेश भेजते हैं कि अगर तुम महोबा को लुटते हुए नहीं देखना चाहते तो हमारी शर्तों की पूर्ति कर दो और जो चीजें तुम्हारे घर में है वो हमको दे दो, जम्मे वाली लाल कमान, हार नौलखा और जो ब्रह्मा वाला घोड़ा है, पारस पत्थर, कालिंजर का किला, खजुआगढ़ की बैठक आदि आदि वो नाम गिनाते हैं। साथ में चंद्रावल का डोला भी बताते हैं और माहिल जाकर के जैसे ही पहुंचते हैं तो सतखंडा से जब रानी अपने भाई को आता देखती है तो उसे एक ढांढस बनता है। माहिल 7 कदम दूर पर अपने जूते उतार कर रखता है और उसके दोनों हाथों से चरण स्पर्श करता है। मल्ला राजोचित व्यवहार करते हुए उसे बढ़िया पलंग पर बैठालती है और कहती है, भाई आज धन हो गए, आप आए, हमारा घर आज पवित्र हो गया, अब हमारा संकट निश्चय ही समाप्त हो जाएगा, कैसे आना हुआ आपका। तब माहिल कहता है, बहन मैं उसी पृथ्वीराज का संदेश लेकर के आया हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर अपने नगर को लुटवाना नहीं चाहते हो तो हमारी सारी मांगें पूरी कर दो। और वो पृथ्वीराज की बताई हुई चीजें फिर से दोहरा देता है
तब मलना कहती है कि समधि को ऐसा नहीं चाहिए था, क्या पृथ्वीराज को ये शर्म नहीं आती है कि जब तक यहाँ सूरवीर थे लड़ने वाले तब कभी ना उन्होंने आक्रमण किया, और आज जब जान लिया है कि महोबा खाली हो चुका है तब उन्हें आक्रमण की सूझी है, लेकिन वो ये ना सोचें यहाँ स्त्रियाँ तक मोर्चा गहेंगी, स्त्रियाँ तक तलवार धारण करके युद्ध करेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमें 15 दिन की मोहलत दे दें और पीछे हमसे डांट ले वसूल कर लें, हम उनका जुर्माना दे देंगे, लेकिन 15 दिन का हमें समय चाहिए। माहिल जाता है एक रात्रि के पश्चात और पृथ्वीराज से कहता है, महाराज मल्ला रानी का संदेश ये है कि 15 दिन की मोहलत दे दें और 16वें दिन हम उनका हरियाणा भरेंगे। तब पृथ्वीराज कुछ विचार करके उनको स्वीकृत दे देते हैं, और इधर रात में ही रानी मल्ला निकल जाती हैं जगनेरे के लिए अपने 5 विश्वस्त्र अंगरक्षकों के साथ में, और रात में ही पहुंचती हैं। तब वो जब जागन से कहती हैं कि भांजी आज ऐसा संकट आन पड़ा है और तुम कन्नौज चले जाओ, तब जागन कहता है मैं रानी की बलाएं लेता हूँ, लेकिन मैं जो है वहाँ कन्नौज नहीं जाऊँगा, आराउदल में मुझे बहुत मारेंगे क्योंकि मैं उनके मांगने से उन्हें शरण नहीं दे पाया था आपके डर से कि आपको बुरा लगेगा। तब वो कहती है बेटा अगर तुम नहीं जाओगे आज मेरी विपत्ति में सहायक नहीं बनोगे तो मैं यहीं तुम्हारे घर में ही आत्महत्या कर लूंगी। और अंतुगत्वा जागन तैयार होता है एक शर्त के साथ में, कहता है अगर घोड़ा हरना अगर मुझको ब्रह्मा वाला दे दो तब मैं जा सकता हूँ। रानी महोबा आती हैं, जागन साथ में आता है और ब्रह्मा को बुलाकर कहती हैं कि बेटा हरनागर तैयार करवा दो, हमें जागन के द्वारा संदेश भेजना है। उसी समय माहिल महल में मौजूद था, उसने ब्रह्मा से कहा कि जो उड़न बछेड़ा के लिए आपके पिता से बगावत कर सकता है वो आपका उड़न बछेड़ा वापस आने देगा क्या? ये बात ब्रह्मा के दिमाग में चढ़ जाती है, वो कहता है मैं हरगिज नहीं दूंगा अपना घोड़ा। तब मल्ला कहती है मैं कटार मार के इसी महल में आत्महत्या कर लूंगी। तब ब्रह्मा मल्ला की जिद के आगे झुक जाता है और घोड़ा हरनागर दे देता है। इस प्रकार से वहां से जागन निकल जाते हैं कन्नौज के लिए। पीछे पीछे माहिल चल देते हैं पृथ्वीराज को उनके जाने की सूचना देने के लिए। मित्रों ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो इस वजह से आज यहीं पर विश्राम करते हैं, कल मैं आपको इसके आगे का वृत्तांत बताऊंगा। मैं बहुत सार संक्षेप में ही बात करता हूं जिससे आपको उकलाहट ना होने पाए और सारी स्टोरी आपको यथावत पता चलती जाए। आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।